नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे शुरुआत में खेत का क्षेत्रफल कैसे निकाला गया। बहुत ही आसान है, देखिए आसान तरीके से बताऊंगा। रकबा लिखा है, रकबा 0.004 बराबर एक डिसमिल ऐसे लिखा है रकबा, इसके बराबर लेकिन एक डिसमिल है, ये सेटलमेंट में लिखा गया है यहाँ के। और 0.012 ये 3 डिसमिल लिखा गया है, डिसमिल में बताया गया है, लेकिन मैं इसको बता दे रहा हूं 3 डिसमिल। इतना को जो है सेटलमेंट में डिसमिल में लिखा गया है। और 0.040 ये 10 डिसमिल है, 0.080 20 डिसमिल सेटलमेंट में है, 1 हेक्टेयर बराबर हो जाएगा 2.5 एकड़। दोस्तों 1 हेक्टेयर बराबर 2.5 एकड़ हो जाएगा, इसका योग नहीं है। 1 हेक्टेयर का भी निकालेंगे क्षेत्रफल हम लोग। यहां पर 2.47 एकड़ बराबर 1 हेक्टेयर होता है, लेकिन एक डिसमिल को देखेंगे तो यहां 250 डिसमिल, 250 डिसमिल बराबर 1 हेक्टेयर। हम लोग एक डिसमिल के आधार पर नापना जानेंगे, ठीक। प्रारंभ में यदि हम लोग 10 डिसमिल का देखते हैं, ये 100 कड़ी, इधर 100 कड़ी, और इधर भी 100 कड़ी, और इधर भी 100 कड़ी, ये 10 डिसमिल का है। और इसके क्षेत्रफल निकालते हैं, ये 100 100 100 प्लस 100 बराबर 200, 100 प्लस 100 बराबर 200, इस तरह से। अब इसको मल्टीपल कर दीजिए, 200 × 200 इक्वल टू 40,000 होता है दोस्तों, 40,000 होता है। अभी 40,000 को हमने बनाया है 10 लाख से डिवाइड करना है, इतना से। इसको जो है हमेशा याद रखना है। ये 2 हेक्टेयर तक मैं निकाला हूं, अपने से बनाया हूं, इसको याद कर लीजिएगा। ये दस लाख, ये 10 लाख को याद कर लीजिए। इससे 10 लाख से इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। चालीस हजार भागिन 0.04 आ जाता है, 0.04 आता है, लेकिन इसको 3 अंक दशमलव के बाद लेना है। ये 40
आस निकल आया। इतना यार दोस्तों ये डिसमिल का। और हम लोग देखते हैं 20 डिसमिल का, सत्यता की जांच करने के लिए 20 डिसमिल का देखते हैं। दो सौ कड़ी, सौ कड़ी, दो सौ, अरे सौ, इस तरह से वर्ग नहीं बनाया हूं मैं अपने तरीके इसको। इतना क्षेत्रफल लंबाई चौड़ाई कड़ी में होता है 200 कड़ी, 100 कड़ी, 200 कड़ी, ये 100 कड़ी है। अब 200 400 हो गया, 400 गुणित 200, इसी तरह कर दीजिएगा। अब बराबर हो जाएगा 200 गुणित 400 बराबर हो जाता है 80,000 इससे डिवाइड करेंगे तो हो जाता है 0.080 आएगा दोस्तों। ये बहुत ही आसानी से निकल रहा है क्षेत्रफल। और इसके एक हेक्टेयर को भी निकालेंगे यहां पर, लेकिन एक डिसमिल का निकालने के लिए आप क्या करेंगे, भी सूत्र ही बनेगा। एक डिसमिल का निकालने के लिए 40,000 इसको मल्टीपल किए हैं तो ये कितना निकला है, 40,000 इसको 10 से डिवाइड कर दीजिए, 10 डिसमिल से, 10 डिसमिल का निकालें इसको तो जो है 4,000 बनता है। ये 4,000 सूत्र बनेगा निकालने के लिए, बेस बनेगा 4,000। ये 10,00,000 और 4,000 इसके माध्यम से बहुत ही इजी तरीके से निकाल सकते हैं दोस्तों क्षेत्रफल को। रास्ता से नहीं आ रहा है, अब इसके माध्यम से कैसे निकालेंगे देखिए। एक एक कर का निकाल लेते हैं 100 डिसमिल का, 100 डिसमिल के यदि निकालना रहेगा तो 100 × 4,000 ये इसका हो जाएगा × ये बराबर हो जाएगा 40, 1, 2, 3, 4, 5 इतना होता है दोस्तों। अब इसको आप मल्टीपल कर दीजिए 10,00,000 से, इकाई ढाई सैकड़ा हजार, 10,000,00,000, 10,00,000 इतना होगा। गिनती करने में भूल रहा हूं, इकाई ढाई सैकड़ा हजार, 10,000,00,000, 10,00,000। अब इसको मल्टीपल करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 4/10,00,000 ये 0.4 आता है, लेकिन 3 अंक लेना है, इतना हेक्टेयर है दोस्तों। 400 ये जो है आसानी से बनता है डिसमिल से, इस तरह से निकालेंगे तो दशमलव के बाद 3 अंक लेना है, यहां देख रहे हैं। इसको भी आप डिवाइड करेंगे 4,000 से 10,00,000 को तो इतना आएगा, डिवाइड करके देख लीजिए, ये 4,000/10,00,000 1, 2, 3, 4, 5, 6
इससे डिवाइड करेंगे तो इतना आएगा दोस्तों, इसको डिवाइड करेंगे तो पीजी निकलता है भागे बराबर, ये बराबर हो जाएगा 0.0004 इतना निकलता है। इस तरह से इतना बेस बनाया हूं दोस्तों मैं, इससे जो है आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं। ये मैं नहीं जानता हूं इसी से निकाले होंगे या बनाए होंगे इसको, लेकिन मैं इसको गुणा भाग कैलकुलेट करके इतना जो है बेस बना के निकालता हूं तो निकल रहा है आसानी से दोस्तों। ये बहुत ही इजी है। और इसमें एक ठो और रहस्य की बात है, यहां 0.125 रहेगा तो ये 31 डिसमिल लिखा गया है दोस्तों सेटलमेंट में। इस तरह से एक आर से उतना ज्यादा फर्क नहीं मारता है, इसमें उतना ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि इंजीनियर लोग ही इस तरह लिख दिए हैं। और यहां भी देखिए ये जो है उतना फर्क नहीं देता है, उतना फर्क नहीं आता है नाप जोक करने में जमीन का भूमि का, इसलिए डिसमिल में इस तरह से लिखा गया है दोस्तों। लेकिन जो है चार आर्स बराबर एक डिसमिल होता है, रकबा में यदि इतना लिखा है तो इसके बराबर एक डिसमिल होगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो। धन्यवाद।